सरकार से हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। नेवी ने भी बहुत सपोर्ट किया, हर तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और खाना पीना हर चीज़ बेहतर मिला। भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की, वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, हमारे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सूडान का हालत बहुत ही ख़राब है, जहाँ पे हमें खाना पीना और रहने का भी बहुत दिक्कत हो गया था, क्योंकि वहाँ पे फाइटर जेट हमला कर रहा था, तो जिसकी वजह से हम लोग वहाँ से, हम लोग अभी तो इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ साथ हम लोग इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनके वजह से हम लोग आज यहाँ पे सेफ हैं। अदरवाइज़ हम लोग का वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमें उम्मीद कम थी कि वहाँ से हम लोग जिंदा वापस आएँ बोल करके। बिल्कुल ही चांस नहीं था, मतलब चांसेस तो बहुत चांसेस बहुत ही रेयर केस थे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इतनी डेड बॉडी भी ये सब देखी है और वहाँ पर बहुत ही लोग इंजर्ड भी देखे हैं हम लोग। क्यों भारत सरकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का और हमें यहाँ तक सेफ लेके आने के लिए। सूडान से आने से यहाँ बहुत अच्छी हमें फीलिंग हो रहा है। क्या हालात थे वहाँ पर? बहुत गंभीर था वहाँ पर। क्या दिखा वहाँ पर? बस गोली बारूद यही चल रहा था जी। भारत सरकार ने पूरी मदद की, बहुत बहुत मदद की है सर भारत सरकार ने। क्या कहना चाहेंगे पीएम साहब के लिए? बहुत गौरव है हमको उनके पर कि हम लोग सहायता किए, वो हम लोग सही सलामत इंडिया वापस आ गए जी। और क्या खाने पीने को भी वहाँ पर दिक्कत हुई सूडान? वहाँ पर खाने पीने के लिए उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन ये सब गोली बारूद के लिए और डर था हम लोग के लिए। हम लोग बगल में ही गोली चल रहा था, ये लिए बहुत बहुत समस्या था। कल को हम बस क्या ही बताएं, कैसे शब्दों में बिलीव करें कि इतनी मुश्किलों में हम लोग ने वक्त वहाँ पर गुजारा, ना खाना ना पानी, 10-12 दिन से लाइट भी नहीं और फायरिंग पे फायरिंग हो रही है। सेकंड फ्लोर पर हम लोग थे तो जब फायरिंग होती थी तो हम लोग का फ्लोर हिलता था और इतने ब्लास्ट हुए। हम लोग जब निकले हैं तो हम लोग ने लाशों को शायद से हटा हटा के निकले हैं, इतनी प्रॉब्लम में हम लोग ने वक्त गुजारा। भारत सरकार से हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। नेवी ने भी बहुत सपोर्ट किया, हर तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और खाना पीना हर चीज़ बेहतर मिला। जब से वहाँ से निकल गए हैं तब से हम लोग को शुक्रिया लगा, बहुत ही बेहतर रहा। इतना हम लोग वहाँ परेशान थे कि हर चीज़ की परेशानियाँ थी, लेकिन हम लोग को वहाँ से पता चला कि भारत सरकार यहाँ पे कावेरी ऑपरेशन शुरू कर रही है कि इससे हम लोग वहाँ से निकल सकते हैं। पर हम लोग तो वहाँ से भी जाने के लिए मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बस भी नहीं अलाउ हो रही थी कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, वहाँ से भी पोर्ट सूडान के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पर जैसे तैसे हम लोग बात करके पैसे जैसे दे दाद के 2-3 लाख रुपये पैसे पड़ रहे थे खाली थोड़ी दूर के बस के। बहुत प्रॉब्लम हो रही सरकार ने सर, बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी, कितना शुक्रिया अदा करें बस कमी। ऑपरेशन का भी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इनके, बहुत हम शुक्रगुजार। मेरा नाम मनीष है, मैं स्विच कंपनी वहाँ बैटरी काम से गया था, तो भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की, वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, हमारे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हाँ, पता लगा कि ऑपरेशन कावेरी लगी, हम तुरंत ही पोर्ट सूडान पहुँचे, वहाँ से फिर बैठ कर आ गए। बहुत ही अच्छी खाने पीने की सुविधा, बहुत ही बढ़िया सब चीज़ था। भारत सरकार बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद शुक्रगुजार हैं उसके। सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? ये भारत सरकार बहुत अच्छी है सर, हमको वहाँ से निकाल लाया जहाँ से आने की उम्मीद नहीं थी। वहाँ पे इतने तेज मतलब लड़ाई चल रखी है दोनों अर्थसेना और आरएसएफ और सेना के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रखी हैं, तो इस बार जो लड़ाई हो रही है वो एयर से भी हो रही है, एयरक्राफ्ट से भी हो रही है उनकी लड़ाइयाँ, तो जान बचने की तो बिल्कुल उम्मीद थी ही नहीं हमको। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, मोदी जी देख रहे हैं, क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साथ में हमारी नौसेना और एयरफोर्स भी हमारे बहुत मदद करी है, ये हमारी मदद करी है, ये अपने कहीं भी हमें गर्व है अपने भारत पे कि हमारी एयरफोर्स और नौसेना ने हमको बचा के वहाँ से निकाल लिया।